हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दिया जाए तो। अब एक बार समझिए, आप ये कहते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है। हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बार समझिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप कहते हैं पहली प्लेट होगी और ये मान लीजिए सेकंड प्लेट होगी। क्लियर। फर्स्ट प्लेट को जनरली इंसुलेट रखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सेकंड प्लेट होती है उस पर इंडक्शन ऑफ चार्ज की वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और उसका बाहर वाला एंड क्या होता है, अर्थ होता है। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए है, ए क्या है, दैट इज प्लेट एरिया। क्लियर। एंड डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो इस टाइम पे आपकी कैपेसिटेंस हो जाती है ए एप्साइल नोट ओवर डी। तो ये क्या है अपने आप में, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, सी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपेसिटेंस को, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जो पॉइंट ध्यान देने वाला है वो समझिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो भी ये बीच का स्पेस था, इस पूरे स्पेस को अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल्ड कर दिया जाए, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसकी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर यही सेम कैपेसिटर है, अगर मान लीजिए यही सेम कैपेसिटर है और इस सेम कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट ए, मान लीजिए ये चार्ज है फर्स्ट प्लेट पे और ये सेकंड प्लेट पे, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर से मैंने अर्थ कर रखा है। अब मैं कहता हूं ये जो बीच का मीडियम था, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप था, उस गैप को मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया और मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, के। तो इस केस में कैपेसिटेंस हो जाती है ए एप्साइल नोट इंटू के ओवर डी। तो ये अपने आप में कैपेसिटेंस है फ्री स्पेस की, सी नोट बोल दीजिए, और ये अपने आप में कैपेसिटेंस है मीडियम की, जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, कोई मीडियम है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे के क्या है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये दोनों रिजल्ट ध्यान रहेंगे, ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये भी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप दोनों का रिलेशन भी एक दूसरे से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, सी एम बाई सी नोट इज इक्वल टू किसके आ जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाता है। क्लियर। अब हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी के ऊपर कि जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कर दिया हो, तो मान लीजिए हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से। मैं कहता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका प्लेट एरिया है ये, मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स आ गई, वो कहता है कि मान लीजिए प्लेट एरिया कितना है, प्लेट एरिया है ए और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। अब देखो वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपने ऐसा किया कि आधे में तो फील्ड कर दिया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन, क्लियर,
और बचे हुए आधे में फिल कर दिया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू। ठीक है, ऊपर वाले में मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन फिल किया और नीचे वाले में मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू फिल किया। और अब वो कहता है इसकी कैपेसिटेंस बताइए। अब मेरी बात सुनिए, अगर इस तरह से फिल किया तो जो प्लेट एरिया ए था वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए बाई टू और ए बाई टू। क्लियर भाई, पूरा जो कंप्लीट प्लेट एरिया था वो कंप्लीट प्लेट एरिया ए था, प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, और आपने इस तरह से डिवाइड किया तो आधे प्लेट एरिया में मतलब ऊपर वाले आधे पोर्शन में आपने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन फिल किया, मतलब ऊपर जो आधा मीडियम लगाया उसका कांस्टेंट के वन था, और नीचे वाले हाफ पोर्शन में जो मीडियम लगाया उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू था। अब कंफ्यूज मत हो, इस डायग्राम को मैंने मान लो वर्टिकल बना दिया, मैं इसको हॉरिजेंटल भी बना सकता हूँ कि मान लीजिए मैं इस तरह से दिखा दूँ कि भाई ये दो प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये, और मैं इस तरह से बीच में डिवाइड करके और मैं कह दूं यहाँ जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक भरा गया है वो K1 है और इस तरफ वाले पोर्शन के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक भरा गया है वो डाइइलेक्ट्रिक मान लीजिए क्या है आपका K2 है। क्लियर, तो प्लेट एरिया हाफ होगा, दैट इज A बाई टू A बाई टू, और बेटा बीच का जो डिस्टेंस है वो तो डी का डी रहना है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही बात है, चाहे इसको वर्टिकल बना दो चाहे इसको हॉरिजेंटल बना दो। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे देखिए, आप क्या कहते हो कैपेसिटर पैरेलल में कब होते हैं? हम बात करते हैं कि कैपेसिटर पैरेलल में कब होते हैं, जब दोनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट एक पॉइंट पे हो और दोनों कैपेसिटर्स की दूसरी दूसरी प्लेट भी सेम पॉइंट पे हो, तब ये दोनों कैपेसिटर किस में होते हैं? पैरेलल में। और बेटा पैरेलल में होते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आती है? C1 प्लस C2 आती है। अब जरा यहाँ पे देखना, हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ आधे में डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, आधे में डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 है, और ये हमारी प्लेट है। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूँ तो ऊपर वाले को हाफ को अलग करूं और नीचे वाले हाफ को अलग करूं और ये जो यहां पे जुड़ रहा है उसको ऐसे कर दूं, तो मेरे हिसाब से ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में किसकी अरेंजमेंट आ गई? पैरेलल की अरेंजमेंट आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो हम कह देते हैं ऊपर वाले की कैपेसिटेंस मान लो सी वन और नीचे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान लो सी टू। अब जब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड हो तो कैपेसिटेंस क्या आती है? एरिया एप्साइलन नॉट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओवर डिस्टेंस। तो देखना C1 ऊपर वाले कैपेसिटर का एरिया क्या है? A बाई टू। ऊपर वाले कैपेसिटर का एरिया क्या है? A बाई टू, दैट इज एप्साइलन नॉट। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? D। तो ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आ गई? ए एप्साइल नोट के वन ओवर टू डी आ गई। नीचे वाले की बताओ जरा, नीचे वाले के लिए एरिया वही सेम, ए बाई टू एप्साइल नोट, नीचे वाले का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के टू। ओवर डिस्टेंस क्या आया? डी आया। अब क्या बताओगे बेटा, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो क्या बताओगे? नाउ The arrangement is parallel. Now the arrangement is in parallel. अब जो arrangement है वो किस में है? दोनों capacitor parallel में है और इसलिए total capacitance किसके बराबर आएगी? Parallel में। बेटा ध्यान रखना, कभी भी capacitor parallel में होते हैं तो C1 plus C2, और सीरीज में जब भी होते हैं तो सीरीज में किसके बराबर आते हैं? वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू आते हैं। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी? सी वन प्लस सी टू आएगी। अब देखना जरा बहुत ध्यान से, सी वन दैट इज ए एप्साइल नोट के वन ओवर टू डी, और सी टू भी क्या आ जाएगा? दैट इज ए एप्साइल नोट के टू ओवर टू डी। अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे ख्याल से ए एप्साइल नोट ओवर टू डी कॉमन आया, और टू डी कॉमन आया तो क्या बच गया? के वन प्लस
के टू, और इस तरह से ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह से अगर कैपेसिटर हुए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड हुआ, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी पे एक और करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी अरेंजमेंट ऐसे हो कि वो दो कैपेसिटर कहता है, और मान लीजिए वो कहता है कि सेम वही, चाहे मैं वर्टिकल बनाऊं चाहे हॉरिजेंटल बनाऊं, फर्क कुछ पड़ना नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए वो, और वो कहता है इस बार मैं इनको ऐसे सेपरेट कर देता हूं। ऐसे सेपरेट करने का मतलब क्या है? इस आधे पोर्शन में मैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन फिल करता हूं, और इस आधे में मैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू फिल करता हूं। ठीक है, मान लीजिए इस आधे मीडियम में क्या आया? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन आया, और इस आधे में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आया? ये बीच में सेपरेशन वाला पॉइंट मान लीजिए, यहां से दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो अब समझिए प्लेट एरिया में कोई फर्क पड़ा? ये अपने आप में अब दो कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर ये बन गया और दूसरा कैपेसिटर बन गया ये। अब दोनों कैपेसिटर का बेटा प्लेट एरिया तो सेम रहा ए का ए, लेकिन कंप्लीट डिस्टेंस क्या था? मान लो कंप्लीट डिस्टेंस था डी, तो कंप्लीट डिस्टेंस डी था, तो इनका डिस्टेंस अपने आप में क्या हो गया? d/2 हो गया। हो सकता है ना d/2। तो अब भी यहां अपने आप में क्या हो गए? दो कैपेसिटर हो गए। दो कैपेसिटर कैसे करेंगे? पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या मान लेंगे? C1, और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या मान लेंगे? C2। अब C1 बताइए जरा, पहले कैपेसिटर का एरिया तो A है, एप्साइल नोट, फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अपॉन क्या आएगा? डिस्टेंस, और डिस्टेंस d की बजाय कितना है? d/2 है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस क्या आ गई? 2a एप्साइल नोट k1 ओवर d। इसी तरह मैं C2 की बात करूं तो C2 क्या आएगा? एरिया a एप्साइल नोट, और k1 की जगह क्या आएगा? k2। भाई k1 की जगह इस बार क्या आएगा? k2 आएगा, और नीचे डिस्टेंस d की बजाय क्या आएगा? d/2, और क्या आ जाएगा? दैट इज 2a एप्साइल नोट k2 ओवर d। क्लियर? अब समझिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आप सीरीज अरेंजमेंट क्या बोलते हो? एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, यही बोलते हो ना सीरीज अरेंजमेंट। अगर मैं दोनों को बिल्कुल ज्वाइंट कर दूं, अगर मैं दोनों को ज्वाइंट कर दूं, तो ये यहां पे ये प्लेट थोड़ी सी, मतलब दोनों अटैच हो गई और ये हो गया, ये अपने आप में क्या हो गई? सीरीज अरेंजमेंट हो गई। तो इसको भी मैं वेरीफाई करूं तो ये अपने आप में दो कैपेसिटर हैं, और कौन सी अरेंजमेंट है? सीरीज अरेंजमेंट है। तो देखो क्या बताओगे, नाउ दिस शो द सीरीज अरेंजमेंट। बेटा ये किसको शो करता है? सीरीज अरेंजमेंट को शो करता है। अगर सीरीज अरेंजमेंट को शो करता है तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/C1 + 1/C2 आएगा। यहां से आगे नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं, क्या आएगा? 1/C1 + 1/C2। करें तो जरा, तो देखो 1/C1 का मतलब क्या आया? 1/C1 का मतलब आया d ओवर 2a एप्साइल नोट k1। C2 का मतलब क्या आया? d ओवर 2a एप्साइल नोट k2। देखना बेटा कॉमन क्या ले लेते हैं, d ओवर 2a एप्साइल नोट कॉमन आया, क्या बच गया? 1/K1 और +1/K2, यही बचा ना। क्लियर? अब एक बार समझिए, अगर यही अरेंजमेंट बची तो अब क्या आएगा? एलसीएम ले लेते हैं, d ओवर 2a एप्साइल नोट, एलसीएम क्या आ जाएगा? k1 k2, और ऊपर क्या आ जाएगा? K2 + K1। क्लियर? और अब हमारा फाइनल रिजल्ट तो क्या आएगा? इसको रेसिप्रोकल करके आएगा, तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा? 2a एप्साइल नोट ओवर d, और इनटू क्या आ जाएगा? K1 K2 ओवर K1 + K2। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर?
ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ऐसे वो दो प्लेट इंसर्ट करवा सकता है। एक और देख लीजिए, इसको आप कैरीड आउट करके देखेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि सेम सिचुएशन है कि भाई प्लेट एरिया तो ए है और प्लेट एरिया तो कितना है ए, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या है डी है। और अब मैं क्या कह दूं, इस बार मैं बीच में तीन मीडियम फिल कर देता हूं, इस बार मैं बीच में कितने मीडियम फिल कर देता हूं, तीन मीडियम फिल कर देता हूं। मान लो इस मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन, ठीक है, फिर इस मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू, और इस मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के थ्री। और इस बार जो टोटल डिस्टेंस डी था, मैं उस टोटल डिस्टेंस को तीन बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता हूं। बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करूंगा तो बेटा डी के तीन इक्वल इक्वल पार्ट क्या आएंगे, तीन इक्वल इक्वल पार्ट आएंगे डी बाई थ्री डी बाई थ्री डी बाई थ्री। और यहां पे अब तीन कैपेसिटर हो गए तो तीन अलग अलग कैपेसिटेंस आएगी सी वन सी टू सी थ्री, और तीनों के तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। तो ध्यान रखें, ऐसे दो भी डिवाइड कर सकते हैं, तीन चार एन नंबर ऑफ में भी डिवाइड कर सकता है। तो ये अपने आप में किसको शो कर रहा है, सीरीज अरेंजमेंट को। और एक कंफ्यूज नहीं होना है, जरूरी नहीं है वर्टिकल, मान लो यही डायग्राम था, इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे शो कर दूं कि एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, और मान लीजिए प्लेट एरिया ए है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और मैं ऐसे हाफ हाफ कर दूं कि भाई ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू है। तो इस तरह से डिवाइड किया तो डी बाई टू आएगा। तो एक तरह से ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना, कहीं वो वर्टिकल शो कर देता है कहीं वो हॉरिजॉन्टल शो कर देता है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए। मान लीजिए मैं कहता हूं इस बार, ये देखिए, मैं कहता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट एरिया ए है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है डी, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है डी। मैं क्या करता हूं, ऐसे डिवाइड करता हूं हाफ, तो ठीक है, और ये जो हाफ पोर्शन आया ना, इस हाफ पोर्शन को मान लो मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने अंदर कितने कैपेसिटर बना दिए, तीन कैपेसिटर बना दिए, एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, और मान लो एक कैपेसिटर हो गया ये। अपने आप में मैंने कैपेसिटर के कितने पार्ट कर दिए, अपने आप में मैंने कैपेसिटर के तीन पार्ट कर दिए। मान लो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के थ्री, ठीक है। अब बेटा पहली बात तो मैंने ऐसे डिवाइड किया था दो पार्ट में, ऐसे डिवाइड किया था तो अपने बाप में एरिया हाफ हो गया ए बाई टू ए बाई टू। अब ऊपर वाले कैपेसिटर का डिस्टेंस तो डी रहा दोनों प्लेट के बीच का, लेकिन अगर मैं नीचे वाले कैपेसिटर की बात करूं तो नीचे वाले कैपेसिटर में डिस्टेंस डी नहीं रहा, डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया डी बाई टू और डी बाई टू, क्लियर। अब समझिए इस कंडीशन में क्या आएगा, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो इसमें अब कितने कैपेसिटर होंगे, इसमें अब तीन कैपेसिटर होंगे, एक दो तीन। तो पहले तीनों की कैपेसिटेंस निकाल लें, सी वन सी टू और सी थ्री, इसकी सी वन है इसकी सी टू है और इसकी क्या है सी थ्री। तो चलो सी वन की बात करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस क्या होती है, ए एप्साइल नॉट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओवर डी, यही होता है ना रिजल्ट। तो देखना सी वन, सी वन के लिए एरिया ए बाई टू, सी वन के लिए एरिया क्या है ए बाई टू, फिर एप्साइल नॉट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन
और ओवर डिस्टेंस भी कितना आया, डी बाई टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल कर दें और इस तरह से कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, ए एप्साइल नोट के वन ओवर डी आएगा। क्लियर। चलो अब सीट टू की बात करते हैं। सीट टू ये वाला है, इस वाले में एरिया क्या रहेगा, ए बाई टू एप्साइल नोट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टू और डिस्टेंस कितना आया, सेम डी बाई टू, सेम टू से टू कैंसिल और इसकी भी कैपेसिटेंस क्या हो गई, ए एप्साइल नोट के टू ओवर डी आई। क्लियर यहां तक। इसकी देखना सी थ्री ऊपर वाले कैपेसिटर की, एरिया ए बाई टू एप्साइल नोट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के थ्री, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है डी, इसका डिस्टेंस कितना है डी। तो इस तरह से हमारे पास तीनों कैपेसिटेंस आ गई, सी वन सी टू और सी थ्री। अब समझेंगे। अब बेटा सबसे पहली बात, C1 और C2 दोनों किस में है, सीरीज में। तो अब देखना क्या बताओगे, नाउ C1 एंड C2 आर इन सीरीज अरेंजमेंट। ये किसके अंदर है बेटा, सीरीज अरेंजमेंट में है। तो देखना सीरीज अरेंजमेंट में है तो 1 बाई सी एस कर लें, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। तो देखना 1 बाई सी वन और 1 बाई सी टू करेंगे तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 1 बाई सी वन डी ओवर 2 ए एप्साइल नोट, सॉरी 2 नहीं है, सी वन है डी ओवर ए एप्साइल नोट के वन, सी टू क्या है डी ओवर ए एप्साइल नोट के टू। क्या कॉमन ले लें, डी ओवर ए एप्साइल नोट कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो क्या आ गया के वन के टू और ऊपर आ गया के टू प्लस के वन। क्लियर हुआ यहां तक। और यहां से देखना सी एस पलट दें, ए एप्साइल नोट ओवर डी और क्या आ गया के वन के टू ओवर के वन प्लस के टू। अब बेटा नीचे वाले दोनों की जगह सी एस आ गया। अब अगर मैं देखूं तो सी एस और सी थ्री दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो अब आप क्या बताओगे, नाउ सी एस एंड सी थ्री आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। ये दोनों के दोनों किस में होंगे बेटा, पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे। और पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे तो पैरेलल में क्या आएगा, C3 प्लस CS, दोनों की वैल्यू रखें। अब समझना C3 क्या है, A एप्साइल नोट K3 ओवर 2D प्लस CS क्या है, A एप्साइल नोट ओवर D और इनटू क्या है K1 के टू अपॉन के वन प्लस के टू। ये आ गया। अब अगर मैं यहां से देखूं तो देखना ये सी है, मैं क्या कॉमन ले लूं, ए एप्साइल नोट ओवर डी कॉमन ले लूं, ए एप्साइल नोट ओवर डी कॉमन हो गया ये, और कॉमन हो गया तो बचा क्या, यहां पे बचा के थ्री बाई टू, के थ्री बाई टू, और यहां क्या बच गया, यहां बच गया प्लस के वन के टू ओवर के वन प्लस के टू, और ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। और सेम मैं इस डायग्राम को भी चाहे मैं हॉरिजेंटल में बनाऊं चाहे मैं वर्टिकल में बनाऊं कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए, कैपेसिटर के तीन पार्ट बना दिए थे बेटा, जब इस तरह से डिवाइड किया तो एरिया ए बाई टू ए बाई टू हो गया। फिर मैंने नीचे वाले पोर्शन को डिवाइड किया तो K1 और K2 हो गया, एरिया तो सेम रहा A by 2, लेकिन ऐसे डिवाइड करने से जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D था वो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D की बजाय कितना हो गया, D by 2 हो गया। और फिर मैंने क्या कह दिया, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C1 मान लो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C2 मान लो और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या मान लो, C3। और फिर ये वाला जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कि एरिया एप्साइल नोट के ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका यूज करके पहले सी वन की वैल्यू,
C1 के लिए देखो एरिया ए बाई टू, एप्साइल नॉट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 और डिस्टेंस क्या आया डी बाई टू, टू से टू कैंसिल, ये C1 की वैल्यू, इसी तरह C2 की वैल्यू और इसी तरह C3 की वैल्यू। फिर प्रॉब्लम क्या है कि C1 और C2 ये दोनों सीरीज में, इसका जो रिजल्ट आया CS वो CS क्या है आपका C3 के साथ पैरेलल में, और सीरीज में आपको पता ही है 1/C1 + 1/C2, और पैरेलल में सोचने की जरूरत ही नहीं होती, C1 + C2 तो क्या आ गया C3 + CS, और इस तरह से सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले कोई भी न्यूमेरिकल होंगे तो वो हो जाएंगे ना कैरिड आउट, जरूरी नहीं है इसमें। मान लो इसको फर्दर वो क्या कर सकता था, इसको भी आगे डिवाइड कर सकता था, जैसे मैंने नीचे वाले पोर्शन को डिवाइड किया ना K1 और K2, ऐसे ही हो सकता था वो इस वाले पोर्शन को भी डिवाइड कर दे, K1 और K2 को, मतलब K3 को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दे। एक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा ना फिर वो क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।